कि जो ये रूफ रैक्स हैं ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये फैब्रिक लगा दिया जिससे कि स्क्रैच ना आए गाड़ी में ना। इसको लॉक करना है यहाँ से, लॉक हो गया ऑटोमेटिक हो गया, और इसको प्रॉपर ओपन करके और अंदर एंटर करके दिखाऊंगा आपको। आपके लिए भी तुम्हारे भाई ने पूरा इंतजाम कर दिया है। तो जी अपनी वीडियो की एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है, हम निकलते हैं, शूज पहन लेते हैं फिर निकलते हैं। बाय। तो जी हम निकल चुके हैं अब घर से, और एक मिनट रुको पहले गाड़ी बैक कर लेता हूँ भाई, यहाँ पेड़ वेड़ का ना बड़ा झंझट हो गया, लगने का डर रहता है। और भाई एक स्कॉर्पियो आ रही है व्हाइट कलर की, यार व्हाइट कलर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। व्हाइट कलर की स्कॉर्पियो ना ओल्ड डिजाइन हो चुका है, मतलब लोग पहले बहुत खरीदते थे व्हाइट कलर की स्कॉर्पियो, पर अब जब से ब्लैक आई है ना ब्लैक की ट्रेंड ज्यादा हो गई है। खैर टाइम हो चुका है 12:04 और जाना है हमें दिल्ली। जय श्री राम। चलो सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन, एक और नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस अभी मैं दिल्ली के लिए निकल चुका हूँ, टाइम हो चुका है जैसे कि अभी मैंने बताया था 12:10, अराउंड 1.5 से 2 घंटा लगेगा मुझे जहाँ पे हमें टेंट लगवाना है। आपने लास्ट वीडियो में देख ही लिया होगा गाजीपुर बॉर्डर के आसपास है वो लोकेशन, कितने परसेंट टेंट बनवाया है और कौन सा कलर हमने फाइनल किया है वो सब तो आपको वहीं जाके पता चलेगा। इस वीडियो में आपको प्रॉपर इंस्टॉलेशन पूरा टेंट का आपको व्यू देखने को मिल जाएगा, स्कॉर्पियो पे इंस्टॉल होने के बाद वो कैसा लगता है सब कुछ मिलेगा देखने को। बाकी भाई जाम लग गया घर से बाहर निकलते ही, तो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट किए निकलते हैं यहाँ से और स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉग को। स्टे कनेक्टेड। बस स्टैंड वाले रास्ते से तो नहीं जाएंगे क्योंकि भाई बहुत जाम मिलेगा मेरे को लग रहा है, पता नहीं क्या सीन है, जाम क्यों लग रहा है यार। गाड़ी चलाओ तो जाम दिखाओ, पहाड़ों में कम से कम पहाड़ तो दिखा सकते हैं जाम के। यहाँ पे देख लो अल्ट्रा टेक सीमेंट कैसी लगी, आगे स्वाद। I could sit in this chair for 1,000 years and watch the woods consume the neighborhood. So guys, अभी हम पहुंच चुके हैं नोएडा, और ये लोकेशन कुछ कुछ मुझे लग रही है मेरे ऑफिस वाली जहाँ पे मैं पहले काम करता था नोएडा में। एग्जैक्टली पता नहीं है कहाँ पे हम अभी हम हैं, सेक्टर 8, 10, 11 राइट में मेरे 197 है। यहाँ पे मैं इंटरव्यू के लिए आया था कई बार, बाकी भाई पुरानी यादें ताजा हो गई है यहाँ के। ये पहाड़ नहीं है एक्चुअली, ये है कूड़े का ढेर, जो गाजीपुर में कूड़े का ढेर है वो है। अब हमें लेना है यहाँ से राइट, तो कंफ्यूज मत होना कहीं सोचो कि भैया आप कहाँ पहाड़ों में पहुंच गए, भाई पहाड़ नहीं है ये दिल्ली में ही है। गाड़ी में अभी सेट कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लैंप वगैरह लगेंगे अपने और एक फ्रेम बनवाया वो फ्रेम के ऊपर लगेगा पूरा टेंट। तो अभी स्टार्ट कर देते हैं सारी चीजें, अभी गाड़ी मैंने सेट कर दी यहाँ पे गाड़ी लगा के जाएंगे उतारने का मन नहीं करेगा। So guys, ये वाला जो फ्रेम है बनाया है जो इसके ऊपर हमारा टेंट लगाया जाएगा। तो अभी भैया आपका नाम क्या है? राजकुमार। राजकुमार, तो राजकुमार भैया और आपका? मनोज कुमार। मनोज कुमार, तो आज दोनों भाई मतलब हमारी हेल्प करेंगे, राजकुमार और मनोज कुमार, ठीक है। और अभी क्या है कि ये फ्रेम लगा रहे हैं और उसके बाद इस पे टेंट को सेट किया जाएगा, तो ये वाला काम पहले कर लेते हैं। और इसमें क्या है कि मैंने आपको पहले ही बताया था लास्ट वीडियो में कि जो ये रूफ रैक्स हैं ये ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, मतलब मैंने महिंद्रा में बात किया था तो उन्होंने बताया था अप टू 100 kg ये वेट लेते हैं, तो इसलिए भैया ने अलग से डिजाइन किया है हमारे लिए ये वाले पैनल्स, और इनके ऊपर टेंट रखा जाएगा और ये अप टू 400 kg वेट ले लेगा, इतना स्ट्रांग है ये वाला। तो बाकी टेंट लग जाएगा उसके बाद देखते हैं, और ऊपर चढ़ के भी देखेंगे सारी चीजें आपको दिखाएंगे। और एक दो चीजें और प्लान कर रहे हैं, यहाँ पे भी अपना जो स्नैक ट्रे आता है वो भी लगा लें, बट अभी नहीं मिलेगा वो हमें, बाद में देखेंगे। टेंट का सेटअप लगना स्टार्ट हो गया, पॉइंट है यहाँ पे सेट है, तो इसको हमें मार्क करना पड़ेगा अगली बार हमें, ये जब हम इसको हटाएंगे इसको सेट करना पड़ेगा, अदरवाइज टेंट टिल्ट हो जाता है थोड़ा सा। बाकी यार ये वाला कपड़ा यूज कर रहे हैं क्योंकि जैसे क्लैंप लगाए जाएंगे गाड़ी पे तो स्क्रैच ना आए, उसके लिए ये वाला कपड़ा लगा के और फिर इनको लगाया जाएगा तो स्क्रैच की दिक्कत नहीं रहेगी। और ये बोल्ट है सारे ये सब यूज होंगे इसमें, जैसे ये पैनल का है। हाँ, पैनल का है इसका। तो इसमें वो कपड़ा यहाँ लगाएंगे? हाँ जी, इसमें लगाएंगे इसपे। अच्छा, इसमें क्या स्क्रैच नहीं आएगी? तो ये फैब्रिक लगा दिया जिससे कि स्क्रैच ना आए गाड़ी में ना। तो फैब्रिक दियो कितने पे रखेगा? अच्छा, ये फ्रेम चेंज कर दिया है बस, ये एल्युमिनियम कर दिया ना, पहले ये वुडन में ही था बस। इसमें भी पहले ये चेंज क्यों किया है, पहले वुडन पे क्यों कर? अच्छा, इसका वेट कम कर दिया इसलिए। हाँ, वेट पहले 70 kg था ना, अब ये 50 kg है, इससे कम है, 53 इंक्लूडिंग बार, मतलब सिर्फ टेंट टेंट का 53। तो यार ये अपना जो टेंट है ना ये आर्मी प्रिंट में है, बाकी जब ये ओपन हो जाएगा तो पूरा दिखाते हैं। और इसके साथ चेंजिंग रूम भी है और ये लैडर है। तो अभी अपने पैनल्स का काम हो चुका है, फ्रेम अपना सेट हो चुका है, बस अब ये टेंट ऊपर लगा देंगे। Thank you.
नहीं नहीं ऐसे ही उठा लेंगे हम तो, हमें कितना जा रहा है। हाँ बिल्कुल ही वेट पता ही नहीं लगा मेरे को उठवाने में। और फिर चेक करेंगे कि कितना स्पेस आ रहा है। और इसमें अभी क्या किया है कि मैंने अभी आपको दिखाया था कि एल्युमिनियम में चेंज कर दिया है और जिसकी वजह से वेट कम हो गया। ये देखो ये एल्युमिनियम फ्रेम में बनाया है, नया बनाया है। और राजकुमार भैया की मैंने हेल्प करी है तो आधे पैसे मुझे मिल जाएंगे राजकुमार भैया। मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? ठीक है, अब इसको एक बार पूरा सेट करके कुछ नट्स रह गए टाइट करने और उसके बाद इसको ओपन करेंगे। बाकी अब प्रॉपर ट्रैवलर्स वाली कार लग रही है अपनी, ये देखो इस वाले फ्रेम में। तो गाइज अभी हम एक लोकेशन पे आ गए हैं और प्रॉपर ऑफ रोडिंग करके भैया यहाँ लेके आए हमें और अपना टेंट यहाँ पे लगा हुआ है। तो वो एक्सपीरियंस भी ले लिया है कि अगर हम कहीं ऑफ रोडिंग करने के लिए जाते हैं तो टेंट में अभी तक कोई आवाज वगैरह मैंने सुनी नहीं है। मेनली हमें माउंटेन्स पे ही जाना है इसको लेके, इसलिए हमने इस लोकेशन पे लाके गाड़ी लगाई है। को अभी तक पता नहीं है कि इसको कैसे ओपन करना है, तो पहले एक बार मैं भैया से पूछ लेता हूँ, हेल्प लेते हैं और फिर और इसको प्रॉपर ओपन करके और अंदर एंटर करके दिखाऊंगा आपको। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम इसको ओपन कर लेते हैं जल्दी से। आप कवर निकाल देते हैं। तो गाइस कवर हमने हटा दिया। कवर हटाने के बाद आपको ये बेल्ट्स ओपन करनी पड़ेगी इस तरीके से। इसको लॉक करना है यहाँ से। लॉक हो गया, ऑटोमेटिक हो गया। लेडर अपनी तरफ खींची ऐसे करके। तो यार अपनी लेडर सेट हो चुकी है और प्रॉपर स्ट्रेंथ है इसके अंदर। बाकी मैं अभी ऊपर जाके इसकी स्ट्रेंथ भी चेक कर लेता हूँ। भाई स्ट्रेंथ तो ठीक लग रही है। और यहाँ से इसको ऐसे ओपन करेंगे। सो गाइस मैं टेंट के अंदर आ चुका हूँ गाड़ी के ऊपर। ये मेरे को बैग दिखाई दे रहा है, शायद शूज रखने के लिए। बिल्कुल स्टेबल है, स्टेबल ये देख लो। ठीक है, बाकी आपको बाहर से लुक दिखाता हूँ अल्टीमेट। सो गाइस एक्चुअली हुआ क्या, जो ये सारी विंडोज आपको दिखाई दे रही है इनके लिए तिल्लियां हैं, जो कि बाहर की साइड ये विंडोज ओपन होंगी, तो वो हम अभी भूल के आ गए हैं जहाँ स्टोर है, तो ये वहीं जाके देखना पड़ेगा। ये बाकी मैं ये विंडोज ओपन करके नहीं दिखाऊंगा आपको। जो ये बैग दिखाई दे रहा है आपको, जैसे ही आप अंदर एंटर करोगे टेंट में तो यहाँ पे आप अपने शूज वगैरह डाल सकते हो। तो इसकी जो बता रहे थे आपको कि तिल्लियां रहेगी वहां पे, तो ये इसमें लग जाती है। ठीक है, ये मैंने लास्ट टाइम अपनी वीडियो में दिखाया था, ये प्रॉपर ओपन हो जाता है। अभी सिर्फ आप टेंट का व्यू देख लो और ये अपनी गाड़ी पे सेट हो गया अच्छे से। और एक यहाँ पे ये चेंजिंग रूम भी है और इसको पूरा लगा देते हैं एक बार हम। ये इसके लिए क्लिप्स यहाँ पे दी हुई हैं, ये वाली, तो इस तरीके से क्लिप्स लग जाती है। तो भाई ये देख लो प्रॉपर तरीके से जो हमारा टेंट है विद चेंजिंग रूम, ये अपना सेट हो चुका है। आपको पूरा 360 व्यू दिखा देता हूँ टेंट का। को ये ओपन करके नहीं दिख रहा है, जैसे ये वाला सामने आपको आर्मी प्रिंट में कपड़ा दिख रहा है, ये वाला ओपन हो जाता है, इसमें वो तिल्लियां लग जाती है और ये ओपन हो जाता है, हट जैसी शेप में आता है। ये देखो तो ये अपना 1 BHK सेट हो चुका है। नीचे अपना चेंजिंग रूम, ऊपर अपना टेंट और ये अपनी गाड़ी स्कॉर्पियो के साथ। एक भैया भी हैं जो कि अभी हमारा टेंट चेक कर रहे हैं, अभी यहाँ पे थे तो इन्होंने तो ये भी एक बार देख रहे हैं। भाई व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा है, अच्छे से सेटअप हो गया पूरा और स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। मेनली स्ट्रेंथ मैटर करती है अगर आप कहीं भी टेंट लगवाते हो, और ये यहाँ से लग के और प्रॉपर उस फ्रेम के ऊपर ये पूरा टेंट लगाया हुआ है। जब बाद में हमें हटाना होगा तो हम यहाँ से नट खोल सकते हैं। बाकी भाई कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा है टेंट। adventurehut.in से हमने लगवाया है, बाकी सारी डिटेल मैं आपको दे दूंगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको अच्छे वाले ट्रैवल व्लॉग्स इस बार देखने को मिलने वाले हैं। और हम ये वाला टेंट यूज करने वाले हैं इस बार अपनी ट्रिप पे। भाई अपना टेंट सेट हो चुका है तो यहाँ से हम निकलते हैं। तो गाइस टेंट के साथ साथ हमने ये फायर पिट भी लिया है, तो इसको एक बार लगा के देख लेते हैं। सो गाइस ये फायर पिट कुछ इस तरीके से सेट हो जाती है और ये आप यूज कर सकते हो बॉन फायर के लिए और बारबेक्यू के लिए। ये भी हम यहाँ से ले रहे हैं। भाई अपना टेंट सेट हो चुका है और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से और टाइम हो चुका है
52। तो गाइज अब इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, मैं घर पहुंचने ही वाला हूं। बाकी आपको मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। आपके लिए भी तुम्हारे भाई ने पूरा इंतजाम कर दिया है भाई। अगर आप जाते हो adventurehut.in, अगर आप बोलते हो कि आप पाटा ब्लॉग्स के थ्रू आए हो तो भाई आपको एडिशनल डिस्काउंट हो जाएगा। तो तुम्हारा पूरा इंतजाम करके आया हूं। तो भाई बाकी का फीडबैक आपको मिल ही जाएगा हमारी ट्रिप पे की टेंट कैसा है, इसकी क्वालिटी कैसी है। तो चलो फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना। अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। लिव योर लाइफ, मेक योर ड्रीम्स, और इस बार एक्सट्रीम ट्रिप आने वाली है, ठीक है, मिस मत करना। बाय।